ऐसी ड्रग बनाऊंगी जो कॉस्टली नहीं होगी और सारे ऐसे बच्चों के पापा मामा उसको इजीली आप न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें बुक्कू के मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बॉडी रिलीज करती है इस एक जीन से, SMN जीन बोलते हैं उसको, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंसान की बॉडी में मसल्स के मूवमेंट के लिए। धीरे धीरे मसल्स श्रिंक होने लगते हैं, मरने लगते हैं। शी वॉज वन, वो खड़ी हो पाती थी, पकड़ के खड़े होने की कोशिश कर रही थी, क्रॉल करती थी प्रॉपरली, स्कूट करती थी। अब उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो सिर्फ बैठी रह सकती है, वो भी अगर हम उसको बिठा देंगे तो। उसके बावजूद भी मतलब उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसकी स्पाइन में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको इरेक्ट रख सके, तो शी ऑलवेज नीड्स सपोर्ट फॉर सिटिंग ऑल्सो। स्टैंडिंग और चलना तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ बिकॉज वो पूरी तरीके से शी इज व्हीलचेयर रिस्ट्रिक्टेड। बर्थडे था और मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं खेल पाई क्योंकि वो हर जगह दौड़ रहे थे और मैं तो दौड़ नहीं पाई। Many SMA kids are dying every year due to this disease क्योंकि उन लोगों को ड्रग नहीं मिल पाता है और there is बहुत ही कम possibility होती है कि एक SMA का बच्चा survives through adulthood। वो बहुत बोलती है कि गुस्सा होती है कई बार कि इतना expensive है ड्रग कि हम लोग avail नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज मे बी मैं अभी तक चलती भी होती, मे बी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती पार्क्स में, और हम लोगों को इतना हर चीज़ के लिए ऐसा मुझे सोचना नहीं पड़ता हर चीज़ कुछ भी करने से पहले या किसी से मिलने से पहले। तो वो ये सब चीज़ों के बारे में सोचती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनूंगी, मैं आई विल मेक अ चीपर ड्रग और फिर जो सब बच्चे अवेल कर सकें, और कोई बच्चा बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग या बिकॉज दे डो द पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दैट मच मनी, इसकी वजह से दे डोंट लूज देयर लाइफ्स। And we are very, very proud of her. मगर problem ये है कि the drug cost is 16 crore. ऐसा छोटा amount नहीं है या ऐसा normal amount नहीं है ये जो हम लोग afford कर सकें। We are a normal working class family. 16 crore सोचना भी it is like a dream. और इतना पैसा होना अपने आप में हम लोगों के पास तो possible ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने मगर पैसे नहीं होने की वजह से अभी तक तो हिम्मत भी नहीं थी सच बताएं कि हम लोग इस टाइप का कुछ स्टेप उठाएं कि फंडरेजर करें, क्योंकि वी नेवर थॉट कि इतना 16 करोड़ जितना पैसा कलेक्ट भी हो सकता है लोगों के थ्रू या फंडरेजर्स करके। मगर देयर हैव बीन अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज जिनके बच्चों को मिल गई है मेडिसिन, दे हैव स्टार्टेड फंडरेजर्स एंड वो दे वी लुक अप टू देम कि हम लोग भी उनके जैसा कुछ करेक्ट करें कि हम लोगों हम भी अपने बच्चे की जान बचा पाएं। गुरु ने फंडरेजर जो स्टार्ट किया है वो इंपैक्ट गुरु फाउंडेशन, इंपैक्ट गुरु की साइट पे स्टार्ट किया है, फंडरेजिंग साइट है वो। तो उस पे इंपैक्ट गुरु में अगर आप जाके देखेंगे आर्या पाठक के नाम से, तो हेल्प आर्या फाइट्स SMA करके उसका पेज है, वहां से लोग डोनेशंस कर सकते हैं। जब सुबह होगी तब मैं खड़े हो
जब मैं खड़ी हो जाऊंगी अपने सारे दोस्तों के साथ खेलूंगी और वो मेरे लिए एक बहुत फन टाइम होगा। It's just a one-time intravenous injection which we give to modify the genes which are being used, in which there is a gene mutation in the SMA patients. So, but still, you know, 16 crore, that's the cost of the therapy. I think the rich people can afford it, but what about the common man?